कैसे हो? आज के योगा के क्लास में आपका वेलकम। योग क्या है? आधुनिक जीवन शैली क्या है? नया आसन, ओंकार चैंटिंग, ये सब आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। आज का इंट्रोडक्शन, हमारे जीवन का आधुनिक स्थायी भाव मीन्स हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। जीवन समृद्ध हुआ लेकिन हमें सहारा लेना पड़ा यंत्रों का। सुबह उठने के बाद मम्मी क्या क्या काम करती है, रिसेस में हमें जो हम लोग टिफिन खाते हैं उसको ब्रेड टोस्ट अगर करना है तो मम्मी वो टोस्टर टोस्ट करने के लिए टोस्टर निकालती है। कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धोते हैं। बर्तन मांजने हैं, बर्तन साफ करने हैं, डिश वॉशर, ये सब आधुनिक जीवन शैली से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब आधुनिक जीवन से अपना जीवन भी आधुनिक और यांत्रिक हो गया और हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इस समस्याओं का सामना करते वक्त डॉक्टर लोग हमें योग अभ्यास, योग साधना करने के लिए बताते हैं। इसी नोट के ऊपर आज हम लोग नए अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड जेंटली क्लोज योर आइज। बॉडी अवेयरनेस, बॉडी रिलैक्सेशन, शरीर, श्वास प्रश्वास और मन तीनों के प्रति अलर्ट, अवेयर, सजग रहना है। वी विल चैंट थ्री टाइम्स ओंकार। रेचक ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ। Join your hands and get ready for prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Bhur Bhuvasvaha, Tat Savitur Varenyam, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पामी हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन एंड स्लोली ओपन योर आईज। बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ। आज जो हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज सीखेंगे वो अपने एल्बोस के लिए लाभ दिलाता है। तो आइए वार्मिंग अप एक्सरसाइज करेंगे, एल्बो एक्सरसाइज।
वापस एक बार करेंगी। ये बेनिफिट्स अपनी एल्बोज के लिए दिलाता है, इसके लिए रोज के प्रैक्टिस में हमें इसका सराव करना है। वार्म अप एक्सरसाइज होने के बाद ऑफ कोर्स हम लोग नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने हैं। बच्चों, आज जो हम लोग नया टॉपिक, नया आसन सीखने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है मंडुकासन। तो इस आसन को मंडुकासन, ये नाम क्यों और कैसे दिया गया, इसके लिए अब हम लोग जानकारी लेंगे। मंडुकासन, वर्ड मंडुक मीन्स वॉट, वर्ड मंडुक मीन्स फ्रॉग पोज, हिंदी में इसे मेंढक कहते हैं। फ्रॉग जैसे बारिश के सीजन में, या और कई बार जैसे फ्रॉग मराठी तलापन बेडुक मंटो, और हिंदी में उसे मेंढक कहते हैं और इंग्लिश में उसे फ्रॉग कहते हैं। इस आसन का अंतिम आकृति बंध जो है वो मेंढक यानी फ्रॉग की तरह दिखता है, इसके लिए इसे फ्रॉग पोज या मंडुकासन ये नाम दिया गया है। तो मंडुकासन जो है वो स्पेशली बेनिफिशियल किस ऑर्गन की तरफ है, इसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। मंडुकासन करने के बाद अपने थाइज, स्पेशली इनर थाइज जो है, वहाँ पर अच्छे ब्लड का सर्कुलेशन हम लोग करते हैं, इसके लिए इसे मंडुकासन और मंडुकासन थाइज के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे आसन हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वज्रासन और मंडुकासन इनमें क्या फ़र्क है, लेकिन मंडुकासन में एग्जैक्टली फ्रॉग, मेंढक, बेडुक इसकी जैसी पोजीशन हम लोग लेते हैं, इसके लिए इसे मंडुकासन ये नाम दिया गया है। ऐसे देखा जाए तो ये आसन वज्रासन के सरीके ही हमें लगता है, लेकिन थोड़ा सा जो माइन्यूटली चेंज है वो हम लोग जैसे जैसे आगे ये आसन के डिटेल्स सीखेंगे वैसा आपको उसका जानकारी पता होगा। तो बच्चों, आइए अब मंडुकासन की विधि की तरफ, उसकी प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिस्टमैटिकली आप टीचर को देखेंगे वैसे ही आपको ये आसन फॉलो करना है। ये करते वक्त ओवरडूइंग, अपने लिमिटेशंस हमें क्रॉस बिल्कुल नहीं करने हैं। तो आइए अब मंडुकासन का प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब मंडुकासन की विधि की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हुए, जैसा आप देख रहे हो कि टीचर ने बैठक स्थिति में, सिटिंग पोजीशन में रेस्ट या विश्रांति ली है। आगे बढ़ते वक्त हमें वज्रासन जैसे करना है, ये सेम पोजीशन फॉलो करनी है। वज्रासन होने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है मंडुकासन की तरफ। आप देख सकते हो कि मंडुकासन करने के लिए टीचर नीज के ऊपर खड़ी है, हैंड्स बाय योर साइड एंड लुक इन फ्रंट एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। अब अपने राइट और लेफ्ट लेग जो है वो थाइज में से ऐसे फ्रॉग की जैसी पोजीशन दिखने के लिए तैयार है। अंतिम अवस्था में जाते वक्त हमें कंफर्टेबली थाइज के ऊपर प्रेशर देते देते बैठना है। आसन से वापस आते वक्त वापस अपनी नीज के ऊपर खड़े रहना है। अगेन विश्रांति इन वज्रासन, और उसके बाद सिटिंग पोजीशन में रेस्ट लेते हुए जैसे हम लोग सिस्टमैटिकली इस आसन में गए वैसे हमें आना है। तो बच्चों, अभी हमने मंडुकासन का प्रैक्टिकल देखा। एक बात आपको उसमें नोटिस करनी है, कई जगह मंडुकासन जब हम लोग सीखते हैं तभी नीज टुगेदर
और पीछे पैर जो है वो लाइक अ फ्रॉग हमें लेने हैं। एट द सेम टाइम कई जगह हमें ऐसे भी सिखाते हैं कि पिछले वाले लेग्स एक साथ और नीज और थाइज है उनमें डिस्टेंस। इन शॉर्ट इस आसन का बेनिफिट जो है वो अपनी लेग्स और थाइज के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो आज हमने मंडूकासन यानी फ्रॉग पोज ये देखा, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडूकासन इस आसन के बेनिफिट्स की तरफ, क्योंकि जब तक आपको ये बेनिफिट्स क्या है ये पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग ये आसन करने के लिए तैयार नहीं होते। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं उनकी लाभों की तरफ। यह आसन पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में एकदम स्पेशल आसन है। शरीर का डाइजेशन भी जो है, उत्सर्जन जो भी है, वो भी इस आसन के माध्यम से बहुत सुधार आता है। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स समस्याओं के लिए ये एकदम कायम स्वरूपी हल है, इलाज है। पेट के अंगों की मालिश करने वाला ये आसन आज हमने मंडूकासन सीखा, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन सावधानियां का है। अगर आप पेट दर्द है, अगर पीठ का दर्द है, ऑपरेशन हुआ है, कुछ जख्म हुआ है, तो ऑफकोर्स ये आसन हमें नहीं करना है। यदि अपने पेट में अल्सर है तो भी उन पेशेंट्स के लिए ये आसन वर्जित है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। सारांश में बच्चों, आज हमने मंडूकासन इस आसन का अभ्यास किया जो अपनी पचन क्षमता और इनर थाइस के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। जीवन का यह वह दर्शन है, जीवन का यह वह दर्शन है जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ता है। जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ता है। धन्यवाद।